दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। यही तो प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दीदी को चुप कराने वाले हैं, मतलब समझ जाओ। और कोई भी फेक एप्लीकेशन नहीं, मैं यहाँ पर एकदम ट्रस्टेड और जेन्युइन एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ। और हाँ, सचमुच काम करता है। और इस एप्लीकेशन के अंदर ना कुछ फीचर है जो आपको दूसरे एप्लीकेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। और कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको दूसरे एप्लीकेशन के अंदर ढूंढना पड़ता है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर अलग सा सेक्शन है जहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन दिखाने से पहले मैं दिखा दूं कि ये काम करते कि नहीं, बिकॉज प्रूफ इज इम्पोर्टेंट। तो आप देख सकते हो अभी कॉल आ चुका है। चलिए अब इसको पिक करते हैं। स्पीकर मैं ऑन करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, जैसे कि मैंने कहा इंट्रो के अंदर। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने टाइम जैसे कि वहाँ पर दीदी बोल रही थी कि रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है, वैसे कुछ यहाँ पर नहीं सुनाई दिया, मतलब यहाँ पर कोई अलर्ट नहीं दे रहा है। तो प्रूफ तो मिल चुका है, अभी कौन सा एप्लीकेशन है और कैसे सेटअप करना है वो दिखाते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम है ACR फोन, और ये ट्रस्टेड इसीलिए है क्योंकि आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है, देन यहाँ पर नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसको डिफॉल्ट पर सेट करना है, जो आपका डायलर है उसके जगह। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देन यहाँ पर कुछ वार्निंग टाइप का शो करेगा, मतलब आपको कुछ सेटिंग्स है जिसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको एनेबल पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देखने को मिलेगा जिसको आपको अलाउ करना है, तो सिंपली आप वन बाय वन सभी को अलाउ कर दो। और यहाँ पर इंटरफेस एकदम से गूगल डायलर की तरह ही है, और बहुत से लोग कुछ गलती करते हैं जो आपको नहीं करना, तो मैं वो बताऊंगा कुछ देर बाद। पहले देख लेते हैं कैसे इसको सेटअप करना है, क्या कुछ करना है आपको। सेटिंग्स, बेसिकली सेटिंग्स दिखाऊंगा मैं। तो इसके लिए आपको सिंपली ऊपर जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, देन आपको जाना है सेटिंग्स पर। अब ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप अगर एडवांस कुछ सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, बट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन है थोड़ा सा नीचे आपको वो मिल जाएगा। सिंपली आपको इसको एनेबल करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, एनेबल हो जाएगा। अब थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्वालिटी का ऑप्शन है, तो आप अगर रिकॉर्डिंग क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक्सट्रीम का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है। देन उसके नीचे इंक्रीज इन कॉल वॉल्यूम का ऑप्शन है, इसको आपको एनेबल करना है। अगर आप इसको एनेबल नहीं करोगे तो लाउड स्पीकर अगर ऑफ रहेगा तो सामने वाले का साउंड थोड़ा सा कम सुनाई देगा, तो आपको इसको एनेबल करके रखना है। और अगर आपके फ़ोन में लाउड स्पीकर ऑन नहीं है और रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मतलब लाउड स्पीकर ऑफ करके आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो सामने वाले का साउंड एकदम से सुनाई नहीं दे रहा, तो उस केस में यहाँ पर एक और ऑप्शन है टर्न ऑन लाउड स्पीकर, इसको एनेबल कर दोगे तो जब भी कॉल आएगा तो खुद ब खुद लाउड स्पीकर ऑन हो जाएगा, और इससे लाउड स्पीकर की वजह से वो कॉल रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर कुछ फ़ोन हैं जिन फ़ोन में बहुत ही सिंपल से रिकॉर्ड हो जाता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ये लाउड स्पीकर का झंझट, लेकिन कुछ फ़ोन है जहाँ पर लाउड स्पीकर ऑन करना पड़ता है। तो अगर आपको फ़ोन में सिंपली नहीं हो रहा तो लाउड स्पीकर ये जो ऑप्शन है इसको आप इनेबल कर दो। तो इतना ही करना है, हाँ इतना ही करना है। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर और एक सेक्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप रिकॉर्डेड कॉल आपका स्टोर हो जाता है, हाँ ये भी है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? वैसे इस ऑप्शन को ढूंढने के लिए आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन सिंपली आपको होम स्क्रीन के अंदर ही मिल जाएगा नीचे कॉर्नर पर। तो बेसिकली इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप देख सकते हो जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग्स है यहाँ पर शो कर रहा है। अभी चलिए मैं बताता हूँ कि कौन सा जो गलती है वो आमतौर पर आप करते हो और उसी की वजह से कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं होता। तो आपके फ़ोन में जो डिफ़ॉल्ट डायलर है ना, गूगल भाव का डायलर जो जासूसी करने नहीं देता, उस डायलर को आपको डिसेबल करके रखना। अगर डिसेबल नहीं होता, किसी फ़ोन में डिसेबल का ऑप्शन नहीं रहता जैसे कि मेरे फ़ोन में, तो सिंपली आपको करना ये है कि उसका जो डेटा है सब क्लियर कर देना है और उसको फोर्स स्टॉप कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।